पुलिस आयुक्त साहब से भी मिला, उपायुक्त साहब से भी मिला, उसके बारे में डिस्कस भी किया। उसमें जो भी दोषी लोग हैं वो सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सब सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उनकी छानबीन चालू है। मुझे पूरा विश्वास है जिन्होंने किया रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पर यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पद्मनगर में हुई है। मैंने अभी भी हमारे मराठी मीडिया से सबसे कहा कि ऐसी दुर्घटना हो रही है या की जा रही है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार एक चार दिन में दूसरी घटना हो रही है। तो कहीं इसका कोई अलग पॉलिटिकली कुछ मैसेज देना चाहते होंगे तो वो गलत बात है। मैं इसके लिए सबसे कहूँगा ये भिवंडी की अमन और शांतता रखना सभी का, हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि आज तक इतने साल हम सब लोग ने मिलजुल कर रह के ये भिवंडी को बनाया है, भिवंडी को इतना डेवलप किया है। आगे चल के भी वही हम लोग को सबको मिलजुल के रहना है और भिवंडी की अमन शांतता कायम रखना है।